सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो ले चलती हूँ महोबा की कुछ अहम खबरों की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देशानुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी महोबा एवं हमीरपुर के तत्वाधान व जिला अध्यक्ष तुलसीदास लोधी एवं नीलम निषाद के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने हमीरपुर महोबा तिंदवारी के भाजपा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के निवास पर जाकर घेराव किया एवं जोरदार नारेबाजी की। किसानों को न्याय दिलाने के लिए नारेबाजी करते हुए कांग्रेस जनों ने किसान विरोधी तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए सांसद की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि को एक ज्ञापन सौंपा। सांसद आवास के घेराव के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष महोबा आफाक सरवर, पूर्व नगर अध्यक्ष महोबा डॉक्टर प्रमोद निरंजन, प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग संतोष कुमार दुरिया, युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव शहनशाह अली, महिला जिला अध्यक्ष मामा भारती, अनुसूचित जाति कांग्रेस जिला अध्यक्ष ब्रजराज सिंह, जिला उपाध्यक्ष संगठन अनिल श्रीवास्तव, जिला महासचिव कुंवर राकेश सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष चरखारी नंदराम मुखिया, ब्लॉक अध्यक्ष कबरई गंगाराम दुरिया, शहजादा चिश्ती, देवदत्त तिवारी, अजय राज कोहली, साजदा खातून, शकीला खातून, छत्रपाल यादव, प्रशांत सिंह राठौर, दिनेश राजपूत, राजेश प्रजापति, गीता प्रजापति आदि सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। महोबा से संवाददाता वहीद अहमद की रिपोर्ट। आज हमारा जो कार्यक्रम है तो इसलिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, सांसद महोदय जी को ज्ञापन देना जा रहा है। अभी सांसद महोदय जी को ज्ञापन देना है। हमारे किसान भाई हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जो वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, किसानों की समस्याएं ऐसी हैं, उनके संबंध में हम लोग आज सांसद जी से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे कि उनकी बातों को सुना जाए, उनकी समस्या का निदान कराया जाए और ऐसी जो ठंड बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है ऐसे उन लोगों को वहाँ ना बैठाला जाए, उनकी समस्या का निदान करके उनको घर भेजा जाए। आपको उम्मीद कैसी दिखाई दे रही सांसद जी की तरफ से? उम्मीद है नहीं कि अब सांसद महोदय से मिलेंगे, देखिए क्या वो कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। हम तो उम्मीद लेके जाएंगे कि हमारी बात को सुना जाएगा, किसानों की बात को सुना जाएगा।